कलेक्ट्रेट घाट पटना बिहार। यह दृश्य देख रहे हैं आप कलेक्ट्रेट घाट का। यहाँ जो है कुछ वर्ष पूर्व यानी 4-5 वर्ष पूर्व यहाँ गंगा नदी में पानी था और यहाँ जहाज चलती थी। लोग यहाँ दूर दूर से माँ गंगा का दर्शन करने आते थे, स्नान करने आते थे, पूजा करने आते थे, आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। लेकिन आज जो यह दृश्य देख रहे हैं आप, यह जो स्टीमर है, बोट से चलने वाली नाव है, जो यह बेकार पड़ी हुई है, इसके अवशेष केवल देखे जा सकते हैं, जिसे लोग कपड़ा सुखाने के काम में ला रहे हैं। और यहाँ वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, यह निर्माण कार्य चल रहा है। पटना गंगा घाट के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत और यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ गंगा नदी ही नहीं है, यहाँ से गंगा नदी विलुप्त हो चुकी है। जो दिख रहा है पानी आपको आगे, वो नाला का पानी है, गंगा जल नहीं है वो। और यहाँ से लेकर के आपको काली घाट तक आपको गंगा जल नहीं मिलेगा, नाला का पानी ही मिलेगा। लेकिन श्रद्धालु भक्त, माँ गंगा का भक्त उस गंगा जल का उपयोग गंगा जल समझ के करने लगे, गंगा जल नहीं है, नाला का पानी। नमस्ते। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार अग्रवाल है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। दूसरी बात यह है और आज हमारा वर्ल्ड डे है, वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो हमारे अर्थ, हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य सारी चीज़ से जुड़ा हुआ रहेगा। आज ये जो देख रहे हैं आप पर्यावरण दूषित, वो आज आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। आज हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, ये जो आज पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले बिगड़ रहा है। दूसरी बात, हमारा शहर, मोहल्ला और यहाँ तक कि पूरा हमारा अर्थ इसके चंगुल में आ रहा है। ये सब सारे चीज़ का मात्र एक ही चीज़ है, वो हम लोग का लापरवाही। जो हमारे पहले पेड़ थे सारे आज काटे गए हैं। हमारे पास पेड़ कितना है, अगर पेड़ का अगर रेशियो देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत ही कम है। दूसरी बात, जो हम लोग गंदगी फैलाते हैं, पॉलिथीन्स, पॉलिस्टर्स और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, उसको बेफिजूल हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, उससे ही आज हमारा ये सब सारा चीज़ होता जा रहा है। मैं यही आप लोग से कहना चाहूँगा, जो आज हम लोग को आज तक हम लोग कहते हैं नॉर्मल सा डिजीज़ है हम लोग में, कौन सा, सब कोई प्राउड से कहते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम द शुगर पेशेंट एंड बीपी, ये सब सारे उन लोग को आम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में देखा जाए या हमारे पूरे वर्ल्ड में ये देखा जाए तो इससे 70%